अगर आप फ्रॉड था तो आपने दिया क्यों? तख्ती और बोर्ड देखो सबके हाथ हैं, ठंड में ये रोड पे तो एक साथ हैं, ना तोड़ो मकान फरियाद करते सारी। तुम छुआछात जात बिरादरी और ये जहर घोल दोगे इंसानों में, तो एक दूसरा अगर दूसरे मुल्क ने इंडिया पे अटैक कर दिया तो उसका गोली मारने लगा वो ना बचाओ ये इस जाति का। तमाम जगह बुलडोजर का न्याय चल रहा है, तमाम लोग बुलडोजर को सही बता रहे हैं। बुलडोजर का न्याय कहाँ तक सही है? ऐसा ही हल्द्वानी में 5,000 जो लोगों के घर हैं उनके तोड़ने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन जब तमाम लोग सड़कों पर उतरे तो वहाँ पर पीछे हटना पड़ा कोर्ट को और स्टे ऑर्डर लगा दिया। ऐसे ही शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हुआ था, ऐसे ही किसान रोडों पर आए थे, ऐसे ही जगह जगह पर कालका जी मैंने जाकर रिपोर्ट किया था, रिपोर्टिंग की थी, आपने देखा होगा मेरी पिछली रिपोर्ट में, तो वहाँ पर भी जो है ऑर्डर आ चुका है तोड़ने का। इसी तरीके से घोसिया जो कॉलोनी है वहाँ पर भी तोड़ने का ऑर्डर आया है और मेहरोली में भी तोड़ने का आया है। तो उसी पर ये तमाम लोग जो आए हैं, आपको मैं मिलवाती हूँ इनसे, और ये सिंगर भी हैं, आपको एक इनका अच्छा एक गीत भी सुनवाऊंगी। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, ये बहुत अम्बेडकरवादी भी हैं, उस पर गीत भी लिखते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मैम फिरोज़ खान है, फिरोज़ खान सूफी, और मेरा प्रदेश हरियाणा है, और 10 साल से हम सोशल वर्क कर रहे हैं इधर मेहरोली में ही, दिल्ली में, और जितने भी राष्ट्रीय एकता के प्रोग्राम हैं, एकता के, अखंडता के, शांति के, भाईचारे के, और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस फोर्स है, आर्मी है, उन सब के जो भी सॉन्ग वगैरह होते हैं हमारे सब आर्टिस्ट और टीम तैयार करती है। आज हम आए थे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में, और नरेश यादव जी हमारे मेहरोली के विधायक हैं, वो भी साथ आए हैं, और सोमनाथ भारती जी भी, आतिशी जी भी, और सब लोग समर्थन करने के लिए इस बात का आए हैं कि भाई जो DDA ने नोटिस जारी किया है इन कॉलोनियों को तोड़ने का, ये गलत है, ये गलत तरीका है कि 50-60 साल से जो गरीब तबका, गरीब आदमी रह रहे हैं उन कॉलोनियों में, और तुम उनको सारी सुविधा दे रहे हो, सोसाइटी भी बना के दे रहे हो उनको, मीटर बिल भी, बिजली का बिल भी दे रहे हो, गैस कॉपी उनकी उसी कॉलोनी के नाम है, और पानी का सारा सिस्टम MCD उनको देख बना रही है, जन्म प्रमाण पत्र उनके, मृत्यु प्रमाण पत्र उनके, सारे सर्टिफिकेट आप लोग दे रहे हो, तो अगर आप फ्रॉड था तो आपने दिया क्यों? अगर ये 50 साल से फ्रॉड कर रहे थे ये लोग, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनी सब आ जाते हैं, अगर ये लोग फ्रॉड कर रहे थे तो तुम लोगों ने इनको ये सारी सुविधा क्यों दी 50 साल से 100 साल से? तो इस बात का एक्शन लेने के लिए हम सारी जितनी कलाकारों की टीम थी, बॉलीवुड के आर्टिस्ट हैं सारे 18-19 के करीब, सलीम सुलेमान, सलीम मर्चेंट, सलमान अली, और ये सब इन गरीब लोगों के हिमात के लिए सब हम लोग आए हैं, और ये सॉन्ग हमने तैयार किया था, अभी सुनाया भी है सारे विधायकों को भी, वही सॉन्ग मैं आपको सुना रहा हूँ कि हमारी फिक्र तो ये हो रही है। रात इंदौरी साहब का एक शेर है, आप सब लोग बहुत अच्छे मीडिया का काम करते हैं, आम जनमानस की बातों को और गवर्नमेंट की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी नीतियों को आप पहुँचाते हो आम पब्लिक में, तो आपका बहुत बड़ा रोल है इधर, और उस रोल को आम आदमी नहीं समझ सकता, मीडिया के रोल को, मीडिया का बहुत बड़ा एक लेवल है आप लोगों का। जाति है जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये रात इंदौरी साहब का शेर अब याद आ रहा है, जब ये रोड पे बहन बेटी दिख रही हैं और ये माँ बहन बच्चे छोटे छोटे ठंड में ओस में वो मकानों के डर से कोई घोंसला छोड़ के राजी नहीं होता परिंदा, तो बने बनाए मकान को 40-50 साल से कई कई पीढ़ी यहाँ गुजर जाती हैं, और फिर आप उन मंदिरों को, मस्जिदों को, बौद्धों के स्थलों को, गुरुद्वारों को, कब्रिस्तान को एक ढाने की वो नोटिस जारी करते हो, तो उन सब के खिलाफ हमारे विधायक भी आए हैं मेहरोली के भी, और आतिशी जी भी, और हम सब सारी गोशिया कॉलोनी और मेहरोली के जितने भी ये समिति के लोग थे वो सब पहुँचे हैं, वो मैं सुना रहा हूँ। टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है आवाज, सारे देश में लगाएंगे चलो, टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, ये चाह रहे होंगे ना भाई, तुम भी अगना चाह रहे सारे, तो सुनो,
तख्ती और बोर्ड देखो सबके हाथ हैं, ठंड में ये रोड पे तो एक साथ हैं। ना तोड़ो मकान फरियाद करते सारी, ना तोड़ो मकान फरियाद करती सारी, बैठी धरने पे ये माता बहने दिन रात हैं। ना तोड़ो मकान फरियाद करती सारी, बैठी धरने पे ये माता बहने दिन रात हैं। फैला हुआ ज्यादा भ्रष्टाचार देखिए, मूक चुपचाप परिवार देखिए। उसको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ क्या जाऊँ, वो सारा पैसा मकान में लगा दिया, अब ना पैसा है ना खुदाई मिला ना विशाले जन्म, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब वो ना गांव में जाने लायक है ना शहर में उनको ओट रहे ना उनको वो शरण दे रहे हैं। तो वो जो नोटिस है उसके खिलाफ हम सब लोग आए हैं। फैला हुआ ज्यादा भ्रष्टाचार देखिए, है मूक चुपचाप परिवार देखिए, ये रोड पे है लेटे परिवार देखिए, आओ इनको गले से लगाएंगे चलो, टूटने से कलोनी बचाएंगे चलो। ये अभी लिखा है मैंने, यहीं बैठे बैठे ही माइंड में आ गया, चलो हम तो शायर आदमी है, यही आगाज अंदाज है मेरा, यही अंजाम, यही आगाज है मेरा, यही अंजाम है मेरा, मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। वतन पर आँच जब आए सिरों को पेश कर देना, सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैनियों को पैगाम है मेरा। मेरा तो ये मसला है, अगर देश के इंसान ना बचे तो देश कैसे बचेगा। तुम छुआछात जात बिरादरी और ये जहर घोल दोगे इंसानों में, तो एक दूसरा अगर दूसरे मुल्क ने इंडिया पर अटैक कर दिया तो उसका गोली मारने लगा वो ना बचाओ, ये इस जाति का ये इस धर्मकार है भाई। रोड पे कोई मर रहा हो एक्सीडेंट केस, उसको तुम पहले उठाओगे या उसकी जाति पूछोगे, वो किस लिए उठाया आपने रोड से, वो दिल में दर्द आया, इंसान की मोहब्बत आई कि हम सब एक खून का रिश्ता है हमारा, इसीलिए तो आया, ब्लड रिलेशन एक है, जाति नहीं पूछ रहा, पहले आदम की औलाद आदमी इंसान कह रहा है, आदमी मर रहा है, तो ये सिस्टम अलग है। इन सब सिस्टमों से हम खिलाफ हैं, और अम्बेडकर जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो इस देश के लिए काम किया है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले अरब के लिए किया था, वहाँ भी जियालत थी लोगों में, वो एक दूसरे का खून चाट जाया करते, तो अल्लाह के नबी ने आकर फरमाया एक गिलास में पानी पियो, छुआछात ख़त्म करो, गिलासों कमी नहीं है हमारे पास, बहुत है, दो लड़कियों के निकाह कर लो इतना बर्तन भरा हो, लेकिन एक गिलास में क्यों पीते हैं, छुआछात ख़त्म करने के लिए पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, इंसानों में मोहब्बत पैदा करो। एक ही सब में खड़े हुए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, पढ़ते ही नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं भाई फलाने का दीन है ढिकड़े का ये चलेगा रियो चलेगा, नहीं यहाँ कुरान की चलती है, हम तो जो फॉलो करते हैं, और कुरान में ये आया है कि जितने भी सारे इंसान हैं वो सब एक माँ बाप की औलाद हैं, एक ईश्वर के बंदे हैं, एक मालिक के बंदे हैं। अब सेब को एप्पल कह के खाओगे टेस्ट थोड़ी बदलेगा, सेब तो सेब है, खुदा खुदा है, अल्लाह अल्लाह है, ईश्वर ईश्वर है। तुम माँ के पेट में थे उस टाइम तुम्हारे हाथ बंद थे, लॉकडाउन लगा रखे थे ना अल्लाह ने हाथ में, वो हाथ की नस खोल देता तो माँ मर जाती, ये पैर चला देता दर्द से तो माँ मर जाती, ये मुंह खोल देता तो माँ का खून पानी अंदर चला जाता, पाइप के जरिए तुझे खिलाया पिलाया, उसी से लेटरिंग, उसी से खाना पीना, उसी से सारा खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ भाई बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। तो जब तो तुमने जात बिरादरी और छुआछात नहीं करी, मैं इसके साथ नहीं खाऊंगा, ये दलित है, ये फलाना है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये क्षत्रिय है, तब तो तुमने नहीं की थी जात बिरादरी का मामला माँ के पेट में। पिछले 8 सालों में अब बदला है ना, बदलाव हुआ है भाई 8 सालों में, आपको पता है ना। देखो 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 ये तो ये तो पॉलिटिक्स है, हिंदू खतरे में भाई। देखो ये पॉलिटिक्स है, सारे हिंदू भी बुराई की तरफ नहीं है, सारे मुस्लिम भी, सारे बौद्ध भी, सारे 20 लाख की गाड़ी है उस पर कोई ट्रेन ड्राइवर बैठाओ गलती से गाड़ी को ठोक दे तो गलती गाड़ी की ड्राइवर की है, ड्राइवर गलत कर रहा है ना, तो धर्म गलती नहीं कर रहा, वो धर्म को मानने वाला गलत दिशा की तरफ चल रहा है। अब मैं गलती करूंगा तो सारे मुसलमान इस्लाम गलत थोड़ी होगा, मैं बुराई कर रहा हूं तो मैं बुरा हूं, मैं गलत कर रहा हूं। अब मेरी पैदाइश मुसलमानों में हुई, मैं मेरी परवरिश ब्राह्मण परिवार में हुई, दलित परिवार में भी हुई 3 साल, वो सारे मेरे माँ बाप की तरह मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं, मोहब्बत रखते हैं। ये नहीं कुछ चंद % जो कुछ लोग हैं वो अपनी गंदगी राजनीति की रोटी सेकने के लिए ये सारा सिस्टम करते हैं, और एक बिजनेस है प्रॉपर, उस बिजनेस को पब्लिक समझ नहीं रही, आर्टिस्ट पहले समझ जाते हैं, हम तो देखते देखते रहते हैं। आप थानेदार से जाके पूछोगे वो डरा होगा, वो कहेगा पैसे इतने दे मुकदमा ये लगाऊंगा, आप वकील से जाके कहोगे धारा ये लगाऊंगा पैसे इतने दे, आप प्राइवेट स्कूल वाला भी काउंसलिंग कर रहा है माँ बाप की
ए बच्चे तेरे बच्चे तो अंडे बेचेंगे, या तो एडमिशन हमारे स्कूल में करा, बांट दिया ना डर। आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा मीकासीन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और डिलीवरी ऐसे नहीं होगी इसकी, इसकी डिलीवरी तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा तो पैसे पर वो कितने पैसे देगा, 15-20 हज़ार रुपये। उस 20 हज़ार में उसका मेडिकल का खर्च, दवाइयों का खर्च, गार्डों का, GNM का, ENM के सारी तनख्वाह कहाँ से देगा, वो डर बाढ़ कर तो देगा ना। तो ये सारा डर बाढ़ा जाता है पॉलिटिक्स में। ये एक पार्टी कह रही है तुम खतरे में हो वोट हमें दो, एक कह रही है तुम खतरे में वोट हमें दो, एक कह रही है तुम खतरे में वोट हमें दो। ये खतरे में कोई भी नहीं है। खतरे में तो जब मालिक चाहोगा, जब इंसान आओगा, जब उस वो खतरा ऊपर से तय करेगा ना। अब सारा कोरोना के टाइम में सारे मंत्रियों के, हुकूमत के, बादशाहों के, प्रधान, ये इनके अमीरों के, गरीबों के, हुकाम के, सब के मुंह पे पट्टी बंधी कि नहीं बंधी। तो तुम इस कोरोना से डर गए, ये तो खुदा चेक करता है इंसानों को, चेकिंग करता है। अगर कोरोना छूने से आता तो सबसे पहले जिसके, मान लो आपका कोरोना लगा मेरे छूने से, मेरे कोरोना लगा सौरभ के छूने से, सौरभ का कोरोना लगा सूरज के छूने से, और सूरज का कोरोना लगा DK सर के छूने, DK सर के लगा सुमन जी के, सुमन जी के लगा क्या नाम, आपका नाम भूल गया, पूजा जी के, और पूजा जी के लगा ये नूर हसन के। तो सबसे पहले जिसका कोरोना लगा वो किसके छू का आया था, पता है किसी को? इसलिए हमारा जो यकीन है, कोरोना का भी डर बिठाया जा रहा है। ये सारा डर का सिस्टम होता है, UNA का डर है, UNA का जो सिस्टम है वो अपना बिजनेस करती है कंट्रियों पे, मुल्कों पे। अब जो कंट्री उनकी पीठू है, उनके सिस्टम को मान रही हैं, वो उसको फॉलो कर लेंगी। अगर वो नहीं मानेंगी तो वो उनकी ग्रांट वहाँ से बंद कर देंगे, UNA से, संयुक्त राष्ट्र संघ से। अच्छा, मुझे ये बताइए जो हल्द्वानी में 5,000 जो घर हैं उनको तोड़ने का ऑर्डर लगाया गया, बोला गया, दिया गया, ऐसे ही तमाम बस्तियाँ जो हैं ऐसी बसाई गई हैं, तो उस बसावट को ख़त्म कर रहे हैं, फिर उसके बाद अच्छा परेशानी कहाँ आ रही है? मैं अभी कालका जी होके आई थी वहाँ पर, तो उनको अच्छी सोसाइटी में घर दिया गया है, बकायदा वहाँ पर एक हॉल, एक रूम दिया गया है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? अच्छा ही तो डेवलपमेंट कर रही है ना BJP? नहीं नहीं, देखो डेवलप का तो अच्छा कर रही है BJP, काम बहुत अच्छा कर रही है। मोदी जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और केजरीवाल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारे जितने मिनिस्टर हैं देश के वो सारे ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कौन कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी नज़र में तो जो ये बुराई आई ना, ये कलोनी पड़ी है रोडों के ऊपर, अब हम क्या, हमें क्या पता है इसमें कौन से मंत्री का हाथ है, इसमें किस नेता का हाथ है। अब जो गरीब आदमी है, जिनको बेचारों को कह कह गैड़े ABCD नहीं आती, 5वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सराई बैक टू से दैट टाइम से के लिए ये जानते हैं, उसको आगे का पता ही नहीं, वो कहाँ जाएगा कि मैं, मेरा मकान कौन तोड़ रहा है। वो तो ये देखे ना सारी चीज़, भाई तुम लोग जो कर रहे थे गवर्नमेंट देखेगी, सरकार साथ है, सरकार के अभी नुमाइंदे विधायक जी नरेश यादव जी, और हमारे मेहरुली आतिशी जी हैं कालका से, और हमारे MLA क्या नाम, सोमनाथ भारती जी, वो सारे लोग ये गए हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं कानूनी तौर पे, उन पे काम कर रहे हैं। लोग तो जाकर रह रहे हैं, बता रहे हैं हाँ अच्छा है, बस उनका थोड़ा रोजगार छिन गया है, बोल रहे हैं कि हम रेडी पटरी नहीं लगा पाएंगे। अच्छा है, कौन कह रहे हैं अच्छा है? वहाँ पे मैंने लोगों से पूछा। आपने किन लोगों से पूछ लिया? जो रहने गए हैं वहाँ, जिनके फ्लैट थे उनसे तो नहीं पूछा आपने? वो बोल रहे हैं कि भैया ये सोसाइटी बना के दी है हमें, कि बन रहा है, और वहाँ पे अर्थिंग भी चल रही थी, तो प्रॉपर उनको न्यूली बनाकर दिए हैं। मेरी बात आपकी, ये थोड़ी बात मेरे समझ में नहीं आई। हाँ। आप जो कहना चाह रही हो कि वहाँ कोई बंदे ये बोले कि ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ, जो उन लोगों को वहाँ झुग्गियों से अब उस वहाँ शिफ्ट कर दिया गया ना, तो उन्हीं लोगों से मैंने वो तो ठीक किया, लेकिन जिनको झुग्गी से अभी तो निकालने के प्लान है वो कहाँ जाएंगे? जिनको अभी निकालने की प्लान, उनको भी मकान दिया जाएगा भाई, बात उनको मकान देना है। इसी की डिमांड करने के लिए हम यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यालय में पहुँचे हैं, और सारे विधायक भी साथ पहुँचे, ये इसी डिमांड के लिए। अगर तुम तोड़ते हो, अगर तोड़ना है तुम लोगों ने, तो पहले नोटिस करो। पहले नोटिस क्यों लगा दिए तुमने एकदम फ्रंट में आके? अब कैसे कोई घर खाली कर देगा, कैसे तोड़ देगा मकान को? जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, केजरीवाल जी का वादा भी है, अरविंद जी का वादा है, और अरविंद जी से हम कहेंगे। अब आम आदमी पार्टी, इसलिए तो हम ऐसे VIPO की कस्टडी में तो बात होती नहीं है, वो बेचारे आम आदमी की तरह सारे विधायक सुन रहे हैं उन बातों को और बता भी रहे हैं, और हमारा समर्थन भी उनका कर रहे हैं। तो ये जो कार्रवाई हो, इसके लिए आपसे तो मेरा गुजारिश ये है, पूजा जी और सुमन जी से भी, और हमारे सारे पत्रकार बंधु DK जी भी, और सब जितने भी प्रेस के मिले हैं, कि इन गरीबों की आवाज़ उठाओ,
गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। अगर गरीब लोग रही नहीं, बुलडोजर से न्याय कितना सही है, लोग तो सही बता रहे हैं। देखो बुलडोजर उन पे चलाओ जो क्रिमिनल हो, जो मान नहीं रहा हो, ना पुलिस की माने ना प्रशासन की माने, उसको तो क्राइम करने वाले को डर बैठाओ। बुलडोजर ऐसे आदमियों पर चलाओ जैसे वो जालौर में बच्चे की हत्या हुई। जालौर में जातिवाद के चक्कर में वो बच्चे की कोणी मार मार के हत्या कर दी। अगर आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा है, किस एज का है वो, कितने साल का था, कितने साल का था, 10 साल का, वो 10 साल का लड़का अगर आपका बेटा है, आप फील करके सोचो पहले, आपका भाई है, और उसको एक 30 साल का आदमी पानी पीने की वजह से, उस बच्चे ने मटके में हाथ डाल दिया पानी की पीने की वजह से, कौन ही मार के उसको मारा जा रहा है? ऐसे दिल थोड़ी निकलता है, जान ऐसे निकल जाती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बन रहा है ना, देखो ये सिस्टम नहीं, उसमें हम ये नहीं कहते कि सरकार ने कराया, ये सरकार नहीं कराया, सरकार इस टाइप के काम नहीं करा रही। वो जो गंदे विचारों का बंदा है, वो गंदी सोच का बंदा है, जैसे ये हमारी बहन थी श्रद्धा की हत्या की, उसी हत्यारे ने सबसे पहले हमने आवाज़ उठाई कि इसको फांसी दो। इस्लाम में इसका सिस्टम नहीं है, इस्लाम तो ये कहता है तुमने एक आदमी की हत्या करी, पूरी मानवता की हत्या कर दी। वो पानी को वेस्ट बहाना बुरा बताता है, पानी को वेस्ट मत बहाओ, नहीं कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारा बदला लेगा। तो वो ये कह देगा तुम नाजायज़ मारो, वो मौके की बात है। अगर कोई बुराई कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो पुलिस आती कि नहीं आती, भीड़ ज़्यादा होगी, आंसू गैस के गोले छोड़ते नहीं छोड़ते। सारा दिखा दिए कि भैया टंकी थी और वहाँ से पानी पिया जाता था, टीचर्स भी वहाँ से लेते थे, सब कुछ चीज़ें। हम इतना विरोध करते हैं ऐसी घटनाओं का, हम इसका उसमें है कि बुलडोजर चलाओ तो ऐसे लोगों पे चलाओ, एक पे चल गया 50 को पता चल जाएगा। बुलडोजर का न्याय ठीक है यानी कि? नहीं नहीं, ये न्याय ठीक नहीं है। तुम गरीबों के मकान तोड़ो नोटिस डाल के, और 50-50 साल जो घर परिवार जो बस रहे हैं वो गरीब है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैनी सब है, बेचारे इंसान है, और वो सारे कॉलोनियों में, कालकाजी मंदिर की कॉलोनी है, इधर गोसिया कॉलोनी है, इधर मेहरोली है, लद्दा सराय है, रजोकरी है, और ये सारी जो हल्द्वानी है, जो सारे प्रकरण ऐसा चल रहे हैं, इसके हम घोर विरोध में यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं ये चंद लाइन अब मैं लास्ट सुनाने जा रहा हूँ आपको कि जो बलात्कारी थे उन आरोपियों को मालाएं पहनाई जा रही हैं, उन्हें संस्कारी बताया जा रहा है, आज़ादी के 75 साल का आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, कि कितना सही है? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है कि वो बिल्किस बानो हैं, वो चाहे मरियम हो, चाहे वो सलमा हो, चाहे वो पूजा हो, चाहे बिल्किस हो, कोई भी हो, मेरी नज़र में मैं बता रहा हूँ, वो सारी देश की जितनी भी लड़की है मेरी बहन है, मेरी बीवी को छोड़ कर मेरी सारी बहन, मैं भूल गया था बीच में, मेरी औरत को छोड़ कर सारी बहन है, और वो जिन बहनों के साथ कोई भी ऐसा जुल्म होता है, इसमें प्रॉपर मैं ये नहीं कहूँगा मैं बिल्किस के लिए ही आवाज़ उठाऊँगा, हमने तो सारियों के लिए उठानी है, सब के लिए करना है। तो बिल्किस के साथ जो घटना हुई और उनको जो सपोर्ट दिया गया, उसके हम घोर विरोध में हैं। ऐसे गलत बंदों को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट देगी या हुकूमत सपोर्ट देगी तो आगे क्राइम बढ़ेगा घटेगा नहीं? क्राइम तो बढ़ ही रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है, जितने भी बलात्कारी निकल के आ रहे हैं वो बीजेपी के नेता निकल के आते हैं। अभी जो घसीटा है वो लड़की को 12 किलोमीटर कंझावला का केस है, उसमें बीजेपी के पदाधिकारी निकल के आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में 13 साल की 10 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, बीजेपी का निकल के आ जाता है। तो ये बीजेपी के हाथ क्यों निकल के आते हैं? चिन्मय आनंद हो, चाहे आप सेंगर हो। देखो पूजा जी, सिस्टम ये है कि इसमें हम ये प्रॉपर किसी पार्टी का नाम ज्यादा नहीं उछाल सकते, बहुत से क्राइम ऐसे होते हैं जो उछाल नहीं रहे, आ रहे हैं ना। सुनो सुनो मेरी बात, वो बहुत से क्राइम ऐसे हैं, इंसानों से ताल्लुक है इस क्राइम का, इस क्राइम का जो ताल्लुक है ना वो इंसानियत से है, पार्टी से नहीं। इंसान का एक सिस्टम बनाया खुदा ने, वो आंखों का एक सिस्टम बनाया, जैसे आपके फोन के कंपनी ने चार्जर बनाए, वो चार्जर सबके अलग पिन के बनाए ना, डी साइड सी साइड सबको पता था ना, ऐसे अल्लाह ने, उस मालिक ने इंसानों को बनाया है, मर्द को औरत को इस तरीके से उसने डिजाइन किया है, वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, सिस्टम है। इसमें गुनाह जो करता है उसको धर्म के साथ, पार्टी के साथ ना जोड़ा, वो बलात्कारी है। तो पिछले 8 सालों में तो अब यही हो रहा है ना, कि मतलब अब किसी के साथ अगर कुछ अन्याय होता है या पीड़िता है तो पहले नाम देखा जाता है, नाम बहुत मायने रख रहा है, नाम बहुत मायने। ये तो ये पॉलिटिक्स वाले आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गए ना, वो जो अनपढ़ आदमी है वो दिमाग से काम ले रहे,
माइंड से काम ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे माइंड से गेम खेल रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो अनपढ़ भी आदमी है और उसके हाथ में सोशल मीडिया है, व्हाट्सअप है। वो व्हाट्सअप पे बुरे शक्ल के आदमी, चेहरे का मेरे जैसा कोई बुरा सा दिख रहा हो, वो भी फोटो भेजता है, तो उस पर आगे माइंड से काम ले करेगा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, फलाना ढिकड़ा करेगा ना, तो माइंड से काम ले रहा है, वो बुरा ना माने, इसलिए सारा बहुत सा ये सिस्टम आ जाता है। अच्छा, आप ना आखिरी एक वो पढ़ने वाले थे, जरा आप पढ़ के सुना दीजिए। जी सुनो। आप संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संविधान के बिना हिंदुस्तान चल नहीं सकता, यकीनी बात तो ये है। एक सवाल और मेरे मन में आया, हिंदुस्तान, क्योंकि संविधान में बाबा साहेब हिंदुस्तान लफ्ज का यूज नहीं किए थे, भारत एंड इंडिया। हाँ, भारत हमारे मुल्क का नाम है और हिंदुस्तान इसलिए थोड़ा फेमस हो गया है, इंडिया अभी फेमस हो कर दिया, इंग्लिश में थोड़ा वो डिजिटल बना दिया ना, वो इंडिया हो गया, सिस्टम है। तो कहना ये चाह रही है कि भारत को भारत ही कहा है बाबा साहब ने। हाँ, बाबा साहब ने भारत को भारत ही कहा है। मैं हिंदुस्तान बोलते हैं, अब हिंदुस्तान बोला नहीं जाता है, हिंदुस्तान बोलने पर तो आपको पता ही है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तो भारत बोला जाता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का क्या मसला है? ये पाकिस्तान का मीनिंग तो है पाक अस्थान, हिंदुस्तान का मीनिंग है हिंदू अस्थान। तो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से लोगों को आपत्ति है ये हिंदुस्तान शब्द बोलने और सुनने में, इसलिए वो बोलते हैं ये इंडिया है, भारत है, और भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। देखो देखो भाई, ऐसी बात नहीं है, भारत ये तो जो इस टाइप की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना बंदे, वो गलत हैं। हमने मुस्लिम होकर भी 6-6 मंदिरों का निर्माण कराया, 7 साल में रामलीला में राम बनता था। आज भी हम गए वहाँ सारे, उन पे भी गए, और बाबा साहब के जो शिक्षा है ना, वो ये नहीं है कि तुम इंसानों में नफरत डालो। बाबा साहब की शिक्षा बहुत अलग किस्म की रही है। बाबा साहब ने जो एजुकेशन हासिल की ना, वो बहुत अलग लेवल की है। उन्होंने जो स्ट्रगल किया है, उस स्ट्रगल के हम फॉलोअर्स हैं। तो उन्होंने हमें सिखाया है, तुम नफरतों को अगर बढ़ाओ, सारे नेगेटिव देने लगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, जहाँ खबर खोलो वहीं नेगेटिव, वहाँ वो व्यूअर बढ़ाने के लिए फलाना। मेरे 125 करोड़ फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे मेरे, 8 साल से मैंने 12 चैनल डिलीट मरवा रखे, और चले यार तंग पा गए। जीके साहब सर, सच बता रहा हूँ मैं, और हमने तोबा करी फिर झूठ गाने से, गंदे गानों से, बुराई के गानों से, कि नहीं भाई इंसाफ के लिए गाएंगे, हक के लिए गाएंगे। एक लाइन में सुनाता हूँ आपको। देसी चलाना संविधान से सुनो, गरीब को बचाना नुकसान से सुनो, धरनों में ये मौलाना पुजारी देखिए सारे लगे यहाँ दिल और जान से सुनो, धरने में ये मौलाना पुजारी देखिए सारे लगे यहाँ दिल और जान से सुनो, सारे धर्मों का सम्मान यहाँ संविधान में है, सारे धर्मों का सम्मान। या अगर हम अमेरिका होते ना अब तक तो ठा ले जाती पुलिस, हमने देखा है सिस्टम उनके कार्रवाई का। सारे धर्मों का सम्मान यहाँ, गुरुवाणी आरती अजान यहाँ, मस्जिद मंदिर बोध द्वार और कब्रिस्तान बचाएंगे चलो, टूटने से कॉलोनी बचाएंगे चलो, गरीबों का हक ये दिलाएंगे चलो, टूटने से घरों को बचाना आज है आवाज सारे देश में लगाएंगे चलो। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये शानदार गीत जो इन्होंने सुनाया है, इसको बहुत दिल से अगर सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा उन शब्दों का जो इन्होंने कमाल किया है ना उस गीत में, उसमें आपको समझ में आएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, इस गीत को आप सुनिए और समझिए उन शब्दों को। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, ITO दिल्ली।